Hi, welcome to your channel. Here I will discuss about this easiest and fastest pattern to find any number of rational numbers between two integers. तो इसमें हम ये जानेंगे कि किसी भी दो integers के बीच में चाहे जितने भी आप rational numbers पता करना चाहो निकाल सकते हैं इस method से, और faster मतलब जुबानी निकाल सकते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा. तो ये मेथड को समझने के लिए पहले कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, वो ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी. इसको आप जान जाएंगे अच्छे से, मतलब जितनी क्लैरिटी आप डेवलप करेंगे इसके बारे में, मतलब रेशनल नंबर्स के बारे में क्लैरिटी होगी, मतलब जितने ज़्यादा आप क्लियर होंगे उतने आपके पास पावर होगा ये पता करने के लिए कि रेशनल नंबर्स होते कहाँ हैं या फिर कैसे निकाल सकते हैं किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में. ठीक है, तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली अ फ्रैक्शन. तो आप पढ़ते हैं फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है कि एनी नंबर, कोई भी नंबर जो ए बाई बी के फॉर्म में हो, ए बाई के बी के फॉर्म में हो, और जहां बी जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ए और बी क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए. होल नंबर्स मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनाइट. तो यह है फ्रैक्शन. एक्चुअली फ्रैक्शन जो होते हैं रेशनल नंबर ही होते हैं, लेकिन बस निगेटिव नहीं होते, मतलब जीरो के पहले कोई नंबर उसमें नहीं आता, मतलब निगेटिव नहीं होता ये. मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शंस. और देखिए अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जो होता है ए बी के फॉर्म में ये भी होता है, बस बी नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, और ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर्स मतलब निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है. ओके, तो केवल यही डिफरेंस है इन दोनों में. आगे बढ़ते हैं. अब यह भी जानना पड़ेगा कि व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज इंप्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो समझिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसमें ए फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर. एक फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर जो होता है वो लेस होता है डिनोमिनेटर से, जैसे 1/2, 1/4, 3/5, 6/9, 10/11, मतलब न्यूमरेटर जो है छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जो इसका न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से. मतलब न्यूमरेटर क्या होगा, जैसे 3 है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 होगा, 3/2. 5 यदि न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर जो है 4 हो सकता है, 5/4. तो आप जानते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. आगे बढ़ते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है. मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है, मतलब उसी को हम दूसरे फॉर्म में बस लिखते हैं. एकदम कंफ्यूज होने की बात नहीं है, पूरा क्लियर कर लीजिए. मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है. और यहां से आप देख सकते हैं 5/4 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ये 1/4 ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है. ये दोनों बराबर ही हैं, बस फॉर्म अलग अलग है. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें. तो चलिए इसके बाद अब समझते हैं एक्चुअली कैसे हम फाइंड करेंगे किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में रेशनल नंबर्स. तो यहां ध्यान दीजिए, पहले पहला कॉन्सेप्ट ये है, वो सारे नंबर्स जो 0 और -1 के बीच में आते हैं और 0 और 1 के बीच में आते हैं. तो देखिए 0 और 1 के बीच में आने वाले जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं वो सारे के सारे 0 और 1 के बीच में आते हैं. मतलब प्रॉपर फ्रैक्शंस जो हमेशा लिखना होगा तो 0 और 1 के बीच में लिख दीजिए. कोई पूछेगा कि बताइए 10 मुझे रेशनल नंबर्स 0 और 1 के बीच में, तो आप क्या करेंगे, कह देंगे कि बस आपको लिखना है क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखना है. यहां पर बस होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस सारे के सारे इसी में होते हैं. तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि यहां पर लाई करेगा 1/2, 1/3, 1/7, 1/8, 1/1 करके आप कुछ भी ले लीजिए, मतलब सारे के सारे इसी में आएंगे. जैसे कि आप ये भी कर सकते हैं 3/4, 9/10, 9/11, 9/12, 9/14, 9/16, 9/17, 9/18, 9/20, मतलब जितने भी ऐसे होंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस वो सारे 0 और 1 के बीच में आएंगे, और 0 और -1 के बीच में भी वही सारे नंबर्स आएंगे जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा. इसमें बस निगेटिव कर देना है, जो भी यहां पॉजिटिव करेंगे इसमें निगेटिव कर देंगे, मतलब कि -1/2, -1/3, -1/4, -1/6, -1/7, -1/8, -1/9. समझ आ रहा है, मतलब कि इधर बस निगेटिव रहेगा इधर पॉजिटिव रहेगा. अच्छा, तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस टाइप के हैं वो मतलब 0 और 1 के बीच में आएंगे, और इधर जो है निगेटिव वाले जो रेशनल नंबर्स होंगे वो सारे आ जाएंगे.
ओके। अब जो है हमें यदि निकालना हो माइनस वन और माइनस टू के बीच में या फिर वन और टू के बीच में तो कैसे निकालेंगे? तो अब यहां पे आ जाती है बात मिक्स्ड फ्रैक्शन की, मतलब मिक्स्ड मतलब कि वन के आगे लाना है ना। तो देखिए इसमें जो जितने भी यहां पे आएंगे सारे के सारे इम्प्रॉपर आएंगे, लेकिन इम्प्रॉपर जो होते हैं वो बराबर होते हैं किसके? मिक्स्ड फ्रैक्शन के। तो इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन के बराबर होते हैं, इसका मतलब देखिए यहां पे जो वन होल वन बाई फोर लिखा गया है तो समझिएगा वन क्या है, वन एक होल नंबर है, तो वन एक होल नंबर है, वन कंप्लीट हो चुका है ये, और इसके बाद जो आने वाला जो है वो वन बाई फोर है, मैंने प्रॉपर है। मतलब आपको ये समझना है कि जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं वो जिसमें जो कोशियंट आएगा डिवाइड करने पे जो कोशियंट आएगा वो यही वन है, क्योंकि फोर से डिवाइड करेंगे फाइव में तो क्या आएगा, वन आएगा, और जो बचेगा वो वन रिमाइंडर बचेगा अपन फोर लिखेंगे आप। तो ये जो वन कोशियंट जो आ रहा है आपको बस देखना है कि कैसा मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लूँ जिसमें मैं डिवाइड करूं यदि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में तो मुझे जो कोशियंट मिले वो वन मिले, तो वो हमेशा वन और टू के बीच में लाई करेगा, जैसे फाइव बाई फोर हो गया। और क्या हो सकता है, जैसे मैं यहां पे ले लूं सिक्स, सिक्स अपॉन फोर भी होगा क्योंकि हम फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर वन जा फोर वन बार ही जा पाएगा, फोर वन जा फोर और टू बच जाएगा रिमाइंडर, तो मतलब कि फोर से रिमाइंडर कम बचना चाहिए। अच्छा ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि आप जैसे कि थ्री बाई टू, तो टू से करेंगे तो एक ही बार जाएगा और एक रिमाइंडर मतलब कि टू वन जा टू एक वन होल हो जाएगा और फिर नहीं जा पाएगा। तो आपको बस देखना है कि वो सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर न्यूमरेटर में कोशियंट जो आता है वन आता है, तो आप बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं ट्वेंटी अपान नाइनटीन, ये भी हो जाएगा क्योंकि 19 वन जा 19 एक ही बार जाएगा ना। अब मतलब कि अपने मन से बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे कि अब मैं आगे बताऊं यहां पे 21 अपन 19 भी ले सकते हैं क्योंकि 19 से जाएगा तो एक ही बार जा पाएगा, दो बार जा नहीं पाएगा, तो जो इसका कंप्लीट होल जो आएगा जो कोशेंट आएगा वो वन ही आएगा पहले पहले। तो ठीक ऐसे ही टू और थ्री के बीच में यदि निकालना है आपको रेशनल नंबर्स तो क्या करना पड़ेगा, आपको वो सारे फ्रैक्शंस ढूंढने पड़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर कुछ इस तरीके से हैं कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर न्यूमिनेटर में हमेशा दो कोशियंट आता है। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं सिक्स अपान नहीं हो पाएगा, अच्छा लिखता हूं मैं फाइव अपान टू। देखिए टू का टेबल पढ़िए, फाइव टू जा टू 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 वन जा टू 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 जा फोर, दो बार चला गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं फाइव बाई टू को टू होल वन बाई टू, तो यहां पे टू होल आ गया ना। तो कहने का मतलब है कि जब दो बार चला जाए कंप्लीट दो बार चला जाए, यदि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में दो बार चला जाता है कंप्लीटली डिवीजन, तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो टू और थ्री के बीच में लाई करेगा हमेशा। तो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊं यहां पर तो यहां पर ले सकते हैं सेवन अपान थ्री, क्योंकि थ्री से ले जाएंगे टू टाइम्स तो थ्री टू जा सिक्स, दो बार चला गया अब तीसरी बार नहीं जा पाएगा, तो ये भी हो गया सेवन बाई थ्री इसमें आ गया। अब एट बाई थ्री भी आ जाएगा इसमें क्योंकि थ्री टू बार ही जा सकता है, थ्री टू जा सिक्स जा सकता है, दो रिमाइंडर बच जाएगा। वैसे ही आप ले सकते हैं एट नाइन, आप ले सकते हैं नाइन अपान फोर ले सकते हैं क्योंकि फोर से दो बार ले जा सकते हैं आसानी से। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक जो मैं यहां कर रहा हूं ना पॉजिटिव वे में वैसे निगेटिव में करना है इधर, मतलब आपको बस माइनस जोड़ देना है। जैसे यहां पर टू और थ्री के बीच में यदि सेवन बाई थ्री है तो माइनस सेवन बाई थ्री होगा यहां, माइनस सेवन बाई थ्री माइनस एट बाई थ्री इसके बीच में होगा, माइनस नाइन बाई फोर इसके बीच में होगा, केवल निगेटिव जोड़ देना। ओके तो ऐसे ही यदि मैं बताऊं कि निगेटिव साइड में कैसे बनेंगे तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, जैसे कि जीरो और माइनस वन के बीच में क्या होगा, केवल माइनस लगाते जाइए, माइनस वन अपन टू होगा, माइनस वन अपन थ्री होगा, माइनस वन अपन फोर होगा, माइनस वन अपन नाइन होगा, माइनस वन अपन एट होगा, माइनस टू अपन थ्री होगा, माइनस टू अपन फोर होगा, माइनस टू अपन फाइव होगा, माइनस टू अपन सेवन होगा, माइनस टू अपन एट होगा, मतलब जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं निगेटिव में बस ले लो, ठीक है निगेटिव में ले लो, हो जाएगा सारा के सारा रेशनल नंबर्स वो जीरो और माइनस वन के बीच में। और यदि माइनस वन और माइनस टू के बीच में निकालना है तो केवल डिनोमिनेटर से ऐसे डिवाइड करो कि रिमाइंडर
क्वेश्चन क्या बचे, वन बचे डिनोमिनेटर से डिवाइड करके। जैसे यहां पर जो भी आ रहा था ये सारे के सारे, जैसे फाइव बाई फोर है तो हम लिख सकते हैं माइनस फाइव बाई फोर, केवल आपका करना है फाइव बाई फोर लिख करके माइनस लगा देना है, ये नंबर जो है यहां लाई करेगा। अब जो है इससे सिक्स बाई फोर है तो माइनस सिक्स बाई फोर भी यहां लाई करेगा, माइनस थ्री बाई टू भी यहां लाई करेगा। अच्छा ये एक्चुअली दोनों सेम है, सिक्स बाई फोर और थ्री बाई टू। ओके ओके, ट्वेंटी बाई नाइनटीन, ट्वेंटी बाई नाइनटीन जो है ये भी इसमें लाई करेगा, बस माइनस लगा दो, माइनस ट्वेंटी बाई नाइनटीन, माइनस ट्वेंटी बाई, माइनस ट्वेंटी वन बाई नाइनटीन, माइनस ट्वेंटी टू बाई नाइनटीन, ऐसे ही माइनस ट्वेंटी थ्री बाई नाइनटीन, माइनस ट्वेंटी फोर बाई नाइनटीन, माइनस ट्वेंटी सेवन बाई नाइनटीन, माइनस ट्वेंटी एट बाई नाइनटीन, माइनस ट्वेंटी, ऐसे कब तक, नाइनटीन जो नाइनटीन टू तक क्या होता है थर्टी एट होता है, थर्टी एट से पहले जितने भी रहेगा वो सबको ले सकते हो इसमें। तो कोई भी एक नंबर फिक्स कर लो नीचे वाला न्यूमरेटर और लगाते जाओ। जैसे मान लो कि मैं फिक्स कर दूँ पाँच, जैसे यहाँ पे इसको लाना है तो पाँच में फिक्स कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में मान लो पाँच फिक्स कर दिया तो ऊपर क्या ले सकता हूँ मैं, तो ऐसा लूंगा नंबर जो कि पाँच का टेबल पढ़ने पे दो से ज़्यादा आए, तो फाइव टू जो टेन, दो बार पढ़ने पे टेन से टेन आ रहा है तो मैं यहाँ पे इलेवन लूंगा, तो यहाँ माइनस लगा दूंगा बस, तो माइनस इलेवन बाई फाइव जो है माइनस थ्री और माइनस टू के बीच में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पाँच से डिवाइड करने पे दो कोशेंट आ रहा है, जब दो कोशेंट आ रहा है तो वो दो के आगे ही होगा। अब देखो, अब पाँच से डिवाइड करने पे दो कोशेंट आने वाले और भी हो सकते हैं, जैसे कि माइनस ट्वेल्व अपान फाइव हो सकता है कि नहीं, पाँच फाइव टू जो टेन होगा और हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस थर्टीन अपान फाइव भी हो सकता है, माइनस फोर्टीन अपान फाइव हो सकता है, तो कोई भी एक डिनोमिनेटर फिक्स कर लो और देखो कि यहाँ पर किसके बीच में लाना है, उससे एक बढ़ा करके, मैंने उसका टेबल पढ़ के उतनी बार टेबल पढ़ करके और एक बढ़ा करके नीचे ले लेना है, डिनोमिनेटर ले लेना है। ओके, जैसे मान लो कि मैं फिक्स करूँ फोर, मैं फोर फिक्स करूँ इसी में, तो फोर मैंने ले लिया डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, तो फोर टू जा एट, फोर टू जा एट होता है, मैं दो बार ले पढ़ना है यहाँ पर देख करके, माइनस टू और माइनस थ्री में लाना है तो माइनस टू यहाँ पर देख करके दो बार टेबल पढ़ना है फोर का, फोर टू जा एट, तो एट से एक अधिक ले लो बस, तो जैसे नाइन हो गया, फोर टू जा एट और फिर नाइन, मतलब दो बार आ ही रहा है, इसको मिल सकते हैं कि जी माइनस में लेना पड़ेगा माइनस, क्योंकि माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में है। तो ऐसे ही आप अनगिनतों निकाल सकते हो, ऐसे करके ये जो है बहुत ही फास्ट मेथड है जिसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से इरेशनल नंबर्स होंगे इधर। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको अच्छा समझ में आया या फिर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए और कमेंट करके जरूर बताइए मुझे, और मैं बिल्कुल ही बेझिझक मैं कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ और हमेशा से, और आपके लिए ये चैनल है। ओके, थैंक यू सो मच।